हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th एक्सरसाइज चैप्टर। हम आज 12th शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 12th हमारे पास क्या है? इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री। हमारे पास इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे आज हम 12th चैप्टर का, इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री, थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री। अभी तक हमने 2 डायमेंशन पढ़ा था 10th क्लास में, आपने 7th चैप्टर में पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो हमारे पास 2 डायमेंशनल थी। अब हम पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। देखो इंट्रोडक्शन में फर्स्ट क्या, सबसे पहले कोऑर्डिनेट प्लेन्स। कोऑर्डिनेट प्लेन्स है हमारे पास, उसमें हमारे पास क्या होता था, एक कार्टेशियन प्लेन होता था जिसके ऊपर हम नंबर्स को ड्रॉ करते थे। अभी हमारे पास उसी तरह कोऑर्डिनेट प्लेन है जिसके अंदर 3 हमारे पास प्लेन है, एक्स, वाई और जेड। द थ्री प्लेन्स डिटरमाइंड बाई द थ्री पेयर्स ऑफ एक्सेस आर द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। हमारे पास 3 प्लेन्स होंगे, 3 प्लेन होंगे, 3 पेयर्स ऑफ एक्सेस, एक्सेस के 3 पेयर होंगे, आर द कोऑर्डिनेट प्लेन्स, जिनको हम क्या बोल देंगे, कोऑर्डिनेट प्लेन। कार्ड जिसको हम क्या बोल देंगे, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन और एक्स वाई प्लेन, ये सभी के नाम होंगे वाई जेड, जेड एक्स और एक्स वाई प्लेन। उसके बाद आता है ऑक्टेंट। जब हम ड्रॉ करते हैं तो ड्रॉ करने के बाद हमारे पास कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेंट। कैसे, जैसे देखो हमारे पास ये है, इसको हम बोलते हैं वाई डैश, ये हमारे पास हो जाएगा y, ये हमारे पास z है, ये हमारे पास हो जाएगा z डैश। इसी तरह से यहाँ से ड्रॉ होता है हमारे पास, ये x हो जाएगा और ये x डैश हो जाएगा, ये हमारे पास प्लेन है। अब देखो 3D क्या होता है, कोई भी हमारे पास जैसे डिब्बा है, डिब्बे का जब हमारे पास फ्रंट होता है, एक हमारा उसका बैक होता है, जैसे क्यूबॉइड शेप होती है हमारे पास, क्यूबॉइड की शेप है वो 2D है। इसी तरह से हमारे पास कोई 3D का कोई प्रोडक्ट है 3D का, जिसके अंदर बैक साइड भी होगी, तो हमारे पास फ्रंट में तो सिर्फ यही पेयर्स मिलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 मिलेंगे। 2 हमारे पास और भी एक्सेस बचते हैं जो हमारी बैक साइड होगी, क्योंकि उसकी बैक साइड और इधर वाली साइड वो हमें दिखाई ही नहीं दे रही, तो उसको हम क्या बोल देंगे, बैक साइड ले ली, एक नीचे की साइड ले ली, दोनों साइड ली, तो हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे, 8। उसको हम क्या बोलते हैं, 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ऑक्टेंट्स। द थ्री कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड द स्पेस इंटू 8 पार्ट्स नो एज ऑक्टेंट्स। जो ये 3 प्लेन्स हैं, ये जो इनके बीच का जो स्पेस है उसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं और उसका नाम क्या है, ऑक्टेंट्स। जैसे टू प्लेन, जो हमारे पास 2 प्लेन था उसके लिए हमारे पास क्या होते थे, क्वाड्रेंट। अब 3 के लिए क्या आ गया, ऑक्टेंट्स। इसी तरह इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन, कोई भी कोऑर्डिनेट प्लेन है उसकी इक्वेशन कैसे नोट करते हैं, द इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन। अगर इक्वेशन हमारे पास किस पर है, वाई जेड प्लेन पर है, अगर वाई जेड प्लेन पर है तो इट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या होगी वहाँ पर, 0। तो एक्स वाई पर, उसकी वाई जेड प्लेन पर एक्स की वैल्यू होगी 0 और पॉइंट क्या होंगे, एक्स को तो 0 रख देंगे और वाई जेड की कोई वैल्यू होगी। इसी तरह था इक्वेशन ऑफ जेड एक्स प्लेन, जब हमारे पास प्लेन कैसा है, जेड एक्स प्लेन है तो वहाँ पर वाई की वैल्यू क्या है, 0 है, तो वाई 0 हो जाएगा और पॉइंट क्या हो जाएंगे, एक्स और वाई की वैल्यू क्या है वहाँ, 0 और जेड। द इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन पर जेड की वैल्यू 0 हो जाएगी और पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएंगे, एक्स वाई और जेड की वैल्यू क्या होगी, 0। इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसी तरह से कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आएगा हमारे पास, कोऑर्डिनेट एक्सिस में जब हम इक्वेशन निकालेंगे तो क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर जब हम इक्वेशन निकाल रहे हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस की, ये कोऑर्डिनेट प्लेन्स हैं, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिए जब हम निकाल रहे हैं तो एक्स एक्सिस पर होगा तो वाई भी 0 होगा, जेड भी 0 होगा। इसी तरह से हमारे पास जो पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, एक्स 0 0। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, जब y एक्सिस पर होगा तो z भी 0 होगा और x भी 0 होगा, तो और पॉइंट क्या हो जाएगा, y 0 y। थर्ड है हमारे पास जेड एक्सिस पर होगा तो x भी 0 y भी 0 और z के लिए पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 0 z। उसके बाद आता है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस से जब हम किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो कैसे निकालते हैं, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई जेड। पी एक्स वाई जेड पर जब हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो फ्रॉम द एक्सिस, अगर हमारे पास एक्स एक्सिस से निकालनी है तो क्या हो जाएगा, स्केयर रूट ऑफ वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर। एक्स एक्सिस पर होगी तो वाई और जेड में होगा, फ्रॉम वाई एक्सिस, जब वाई एक्सिस पर निकालेंगे तो एक्स स्केयर प्लस जेड स्केयर, एंड फ्रॉम द जेड एक्सिस और जेड एक्सिस पर जब निकालेंगे तो क्या आएगी, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का स्केयर रूट। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है डिस्टेंस फॉर्मूला।
जो हमने पीछे पढ़ा है, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या है, किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच की डिस्टेंस निकालना, पॉइंट्स के बीच की, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालना, पी और क्यू, जिसके अंदर क्या क्या है हमारे पास कोऑर्डिनेट, एक्स वन वाई वन जेड वन, एक्स टू वाई टू एंड जेड टू, इनके बीच की जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आएगी, पी क्यू इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वेयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वेयर प्लस जेड टू माइनस जेड वन होल स्क्वेयर और पूरे का स्क्वेयर रूट, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ रखा है तो वही सेक्शन फॉर्मूला भी यहाँ यूज होगा, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ द पॉइंट्स एक्स वन वाई वन जेड वन एंड एक्स टू वाई टू एंड जेड टू इन द रेशियो, कोई भी हमारे पास एक कोऑर्डिनेट निकालना है जो पी और क्यू लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये हमारे पास क्या है, पी क्यू लाइन है। अगर हमें ये निकालना है कि ये कोई पॉइंट निकालना है तो उसको हम कैसे निकाल लेंगे, एम वन, जब हमारे पास रेशियो क्या है, एम वन रेशियो एम टू, एम वन रेशियो एम टू, इंटरनली, इंटरनली मीन्स इन पॉइंट्स के अंदर है हमारे पास ये पॉइंट, तो इंटरनली निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू, और दूसरा एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन बाई एम वन प्लस एम टू, थर्ड आ जाएगा एम वन जेड टू प्लस एम टू जेड वन बाई एम वन प्लस एम टू, तो ये तो हमारे पास किसके लिए आएगा, इंटरनली। दूसरा हमारे पास सेकेंड पॉइंट क्या आएगा, एक्सटर्नली, एक्सटर्नली मीन्स ये हमारे पास जो लाइन है पी और क्यू पॉइंट ये, लेकिन हमें क्या निकालना है, यहाँ से एक पॉइंट निकालना है जो एम वन रेशो एम टू में उसको डिवाइड करता है, अगर ये पॉइंट करता है तो हमें क्या हो गया, एक्सटर्नली इन पॉइंट से बाहर है कोई पॉइंट, तो उसके लिए हमें क्या करना है, एम वन एक्स टू माइनस एम टू एक्स वन बाई एम वन माइनस एम टू, जहाँ प्लस था वहाँ हमें माइनस करना है बस, एम वन वाई टू माइनस एम टू वाई वन बाई एम वन माइनस एम टू, और एम वन जेड टू माइनस एम टू जेड वन बाई एम वन माइनस एम टू, ये हमारे पास एक्सटर्नली और इंटरनली के लिए। उसके बाद आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, जैसे दो के लिए निकालते थे ऐसे तीन के लिए निकालना हमें मिड पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, किन्हीं भी दो पॉइंट्स को मिलाने से जब हमारे पास एक लाइन सेगमेंट बना है, जब हमें उसका मिड पॉइंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, जेड वन प्लस जेड टू बाई टू, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका मिड पॉइंट। उसके बाद आता है सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रोइड, सेंट्रोइड क्या होता है, जैसे हमारे पास ये कोई भी ट्रायंगल है ये तो मिड होता है इसका, और सेंट्रोइड निकालना है तो इन सभी के बीच में, इधर से भी और इधर से भी और इधर से भी, तीनों के बीच में जो सेंटर है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। इफ ए एक्स वन वाई वन जेड वन, बी एक्स टू वाई टू जेड टू एंड सी एक्स ए बी सी, हमने पॉइंट मान लिया, आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, देन कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी जो ट्रायंगल है उसके कोऑर्डिनेट निकालने, किसके, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट, तो ये जो कोऑर्डिनेट है यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है, सॉरी ए की वैल्यू क्या है, बी की सी की, इसके लिए कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, मीन्स एक्स वन वाई वन जेड वन तीनों का हम मिड निकाल देंगे, तो क्या करेंगे, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाई थ्री, और जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री बाई थ्री, जब हम किन्हीं दो पॉइंट्स के निकालते हैं तो हम बोलते हैं मिड पॉइंट, और जब हम तीन पॉइंट का निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड, किसी भी तीन पॉइंट से निकालने को हम सेंट्रोइड बोलते हैं। अब इसी पे हमारे पास है एक्सरसाइज 12.1। देखो सबसे पहले तो मैं बताती हूँ आपको ऑक्टेंट्स के बारे में, ऑक्टेंट्स कैसे, उसकी जो हमारे पास टेबल है वो कैसे करनी है, एक्स और वाई एक्सिस की तो आपने पढ़ रखा है, एक्स वाई एक्सिस में क्या होता है कि फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट ये हमारे पास होता है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, तो फर्स्ट में क्या होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे, सेकेंड में वाई तो हमारे पास कैसा है, पॉजिटिव है, लेकिन एक्स कैसा है, नेगेटिव, तो एक्स हमारे पास नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव, थर्ड में हमारे पास क्या होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, तो दोनों नेगेटिव, फोर्थ में हमारे पास क्या होंगे, एक्स हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा और वाई नेगेटिव, इसी तरह से फिर फिफ्थ में आके फिर वही स्टार्ट कर दिया, फिफ्थ और फर्स्ट में सेम, सिक्स्थ और सेकेंड में, सेवन्थ और थर्ड में, और फोर्थ और एट्थ में सेम होगा। फिर हमें निकालना है जेड के लिए, क्योंकि अलग से हमारे पास ऐड क्या हुआ है, जेड, अब जेड के लिए हम कैसे निकाल लेंगे ऑक्टेंट्स, पहले जो चार
हमारे पास एक ऑक्टेंट्स हैं, जो चार ऑक्टेंट्स हैं फर्स्ट, उनमें तो हम क्या करेंगे सभी को पॉजिटिव, और लास्ट के फोर में क्या होगा सभी में नेगेटिव। ये हमारे पास इसके लिए ऑक्टेंट्स की टेबल है, इसको याद रखना। बस डिस्टेंस फॉर्मूला आपने पढ़ लिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, ए पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, व्हाट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। अभी मैंने पढ़ाया था आपको कि एक पॉइंट निकालना है हमें, कहाँ पर, एक्स एक्सिस पर। अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, व्हाट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट, तो उसके वाई और जेड कोऑर्डिनेट क्या होंगे। जब एक्स एक्सिस पर है तो वाई और जेड कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जीरो होंगे, एक्स की कोई ना कोई वैल्यू होगी, बट वाई और जेड की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, जीरो। नेक्स्ट है, ए पॉइंट इज इन द एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन पर एक पॉइंट है, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स वाई कोऑर्डिनेट, तो उसके वाई कोऑर्डिनेट के बारे में क्या कहेंगे, वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा। एनी पॉइंट लाई ऑन एक्स जेड प्लेन इज, तो हमारे पास पॉइंट क्या होगा, एक्स, वाई की वैल्यू वहाँ जीरो होगी और जेड। थर्ड है हमारे पास, नेम द ऑक्टेंट्स इन विच द पॉइंट लाई, ये पॉइंट दे रखे हैं और ये किस ऑक्टेंट में लाई करते हैं। फर्स्ट है 1, 2, 3, तीनों पॉजिटिव हैं। अगर हमारे पास तीनों पॉजिटिव हैं तो किस में है तीनों पॉजिटिव, फर्स्ट में तीनों पॉजिटिव हैं तो किस में करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऑक्टेंट में। सेकंड हमारे पास है, एक्स और जेड पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव है, जेड पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, सॉरी कौन सा ऑक्टेंट आएगा, फोर्थ ऑक्टेंट। नेक्स्ट है 4, -2, 3, सेम है हमारे पास ये दोनों, तो ये भी फोर्थ में आएगा। नेक्स्ट है 4, -2, -5, एक्स पॉजिटिव है, वाई और जेड नेगेटिव, एक्स अगर हमारे पास पॉजिटिव है और वाई जेड नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव जेड भी नेगेटिव एक्स पॉजिटिव, तो कौन सा ऑक्टेंट आएगा, एट्थ ऑक्टेंट। नेक्स्ट है हमारे पास 4, 2, -5, फर्स्ट सेकंड दोनों पॉजिटिव हैं तो हमें देखना है फर्स्ट और सेकंड दोनों पॉजिटिव हैं और थर्ड हमारे पास कैसा है, नेगेटिव, तो ये हमारे पास कौन सा ऑक्टेंट आएगा, फिफ्थ ऑक्टेंट। फिर है माइनस प्लस माइनस, अब देखो माइनस प्लस माइनस कहाँ है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये हमारे पास कौन सा ऑक्टेंट है, सिक्स्थ ऑक्टेंट, तो सिक्स्थ ऑक्टेंट में हम क्या बोल देंगे, एक्स नेगेटिव है बट वाई पॉजिटिव है और जेड नेगेटिव है। नेक्स्ट है हमारे पास सेवन्थ, -3, -1, 6, हमारे पास x और y दोनों नेगेटिव हैं बट z पॉजिटिव होगा, x और y नेगेटिव करने और z पॉजिटिव, x और y दोनों नेगेटिव हैं हमारे पास और z पॉजिटिव, तो इसको हम कौन सा बोल देंगे, थर्ड ऑक्टेंट। नेक्स्ट है हमारे पास 2, -4, -7, अब हमारे पास देखो x पॉजिटिव है, y z नेगेटिव, y और z नेगेटिव है तो y और z के लिए देखो y और z दोनों नेगेटिव हैं और x पॉजिटिव है, तो इसको हम कौन सा ऑक्टेंट बोल देंगे, एट्थ ऑक्टेंट। तो ये हमारे पास जो पॉइंट है ये किस में आएगा, एट्थ ऑक्टेंट में आएगा। यही थी हमारी एक्सरसाइज 12.1। ओके, थैंक यू।